हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज की वीडियो में हम लोग द सेकेंड सेक्स जो कि शिमोन डी व्यूवॉयर की काफ़ी फेमस बुक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प होता है, वीडियो आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वुमेन हैव ऑलवेज स्ट्रगल टू गेन देयर प्लेस। कि वुमेन को क्या करना पड़ा है, हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा है अपने अपने प्लेस, अपने जगह को बनाने के लिए, उसको पाने के लिए। इन हिस्ट्री यानी इतिहास में, पुराने टाइम में, नो रिकॉर्ड्स ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट्स एग्जिस्टेड बिफोर द 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी से पहले वुमेन, नो डाउट, तो 18th सेंचुरी से पहले भी बहुत सारा ऐसा कुछ काम की होगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हिस्ट्री में दिखाना चाहिए, लेकिन कोई भी वैसा हम लोग को वर्क देखने को नहीं मिलता है 18th सेंचुरी से पहले का। इन द अर्ली 20th सेंचुरी, शुरुआती जो 20th सेंचुरी था, 20वीं शताब्दी का जो शुरू का पीरियड था, द इकोनॉमिक यानी आर्थिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक एंड सोशल स्टैंडिंग, और एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है ना ऑफ फ्रेंच की औरतों की, वॉज नॉट इम्प्रूविंग ड्यू टू रूलिंग पेट्रियाकल मेंटेलिटी। ये तब तक, मतलब 20th सेंचुरी के अर्लीस्ट पीरियड तक, मतलब 20th सेंचुरी क्या हो गया, 1900 से लेके 2000 तक, ये हो गया आपको 20th सेंचुरी, और अर्ली 20th सेंचुरी हो गया 1950 से आगे वाला पीरियड। तो इस टाइम तक क्या था ना, फ्रेंच वुमेन की स्थिति उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी। ड्यू टू किस वजह से, रूलिंग पेट्रियाकल मेंटेलिटी, क्योंकि उन लोग का पेट्रियाकल, हम लोग का मतलब एक होता है ना कि मेंटेलिटी, माइंड ही बन जाता है कि हम लोग कुछ उस बिहार में सोचते हैं, तो पितृसत्तात्मक मेंटेलिटी बन गया था। शिमोन डी ब्यूवर्स बुक, और शिमोन डी ब्यूवर्स की जो बुक है द सेकेंड सेक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन फ्रेंच इन 1949, इसको जो पब्लिश कब करवाया गया, 1949 में करवाया गया, इज ए रिवॉल्यूशनरी वर्क, या एक काफ़ी क्रांतिकारी वर्क है, बिकॉज क्योंकि सी इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, क्योंकि वो पहली फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट क्या होता है ना, जो कि मतलब एक फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, मतलब नारीवाद को सपोर्ट करता है, औरतों के हक में मतलब बात कहता है, तो वो फेमिनिस्ट थी। वो मैनेजेस टू जस्टिफाई हर पोजिशन, जो कि अपने पोजिशन को जस्टिफाई करना मैनेज की थी, बाय फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल थेसिस, बाय हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल यानी ऐतिहासिक और दार्शनिक, मतलब शोध के अनुसार, मतलब जो भी एक फुलफिलमेंट होता है, तो वो उस टाइम अपने, मतलब क्या होता है, पोजीशन को जस्टिफाई की थी। एक होता है कि जिस पोजीशन पे उसको डाला जाए वो उस पोजीशन को जस्टिफाई की, तो वो उस चीज़ को मेंटेन रखी। सिमोन वॉज ए फ्रेंच राइटर, सिमोन जो है एक फ्रेंच राइटर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, राजनीतिक कार्यकर्ता, फेमिनिस्ट थी, नारी वही बताएं जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है, एंड सोशल थ्योरिस्ट थी, और सामाजिक मतलब थ्योरिस्ट जो मतलब विचारक हो एक थी। सी हैड ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बोथ, उनका मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ा है दोनों पे के ऊपर, किसकी किसकी के ऊपर, फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी फेमिनिस्ट यानी हो गया नारीवादी, एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी हो गया अस्तित्ववाद, तो इस पर काफ़ी असर पड़ा, एंड फेमिनिस्ट थ्योरी और नारीवाद जो थ्योरी थी उस पर भी काफ़ी इसका असर पड़ा, इनका असर पड़ा। इन द सेकेंड सेक्स, जो हम लोग का प्रेजेंट बुक है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड सेक्स, द ऑथर डिस्कसेस द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, ऑथर क्या करती है, डिस्कस करती है वुमेन के साथ जो ट्रीट होता था उस चीज़ को थ्रू आउट हिस्ट्री, मतलब पूरे हिस्ट्री में हम लोग की पुराने टाइम में, मतलब जो भी वुमेन के साथ जो भी क्या होता था, ट्रीट किया जाता जैसे, उस चीज़ को डिस्कस करती है। शिमोन ने रिसर्च्ड, शिमोन ने क्या की, पहले तो रिसर्च की 14 मंथ, 14 महीनों तक, एंड रोट द बुक बिटवीन 1946 एंड 1949, और उसके बाद 1946 से 1949 के बीच में यह बुक लिखी। सी पब्लिश्ड दिस बुक इनटू 2 वॉल्यूम्स, और जब इस बुक को पब्लिश करने की बात आई तो इसको भी वो 2 वॉल्यूम में पब्लिश्ड की। तो पहला जो था वो था फैक्ट एंड मिथ्स एंड द लाइव्ड एक्सपीरियंस, तो ये इसको आप नॉर्मली एक लाइन में भी लिख सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा, तो और उसके बाद फिर नीचे से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बेस्ट तरीका है लिखने का। फिर आगे सिमोन्स बेस्ट नोन बुक, सिमोन्स का जो बेस्ट नोन वर्क है द सेकेंड सेक्स, इज मेजर वर्क ऑफ फेमिनिस्ट यानी नारीवाद वाला जो वो रहा, फिलोसफी रहा, दार्शनिक रहा, उसके लिए मतलब एक बहुत बड़ा, बहुत महान योगदान माना जाता है ये इनके वर्क को। एंड इट गिव्स इंस्पिरेशन, और यह वह जो उनका वर्क है द सेकेंड सेक्स, वो इंस्पिरेशन देता है
फोर सेकेंड वेव फेमिनिज्म, सेकेंड जो वेव आया, लहर आया फेमिनिज्म का, उसको मतलब इंस्पिरेशन देता है, मतलब क्या करता है, इंस्पायर करता है, इट मीन्स मतलब एक राह दिखाता है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट्स ऑफ दिस बुक इज, और इस बुक का जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट्स है, वन इज नॉट बॉर्न ए वुमेन, कि एक कोई जो वुमेन होती है वो वुमेन पैदा नहीं होती है बट बिकम्स वन. लेकिन यहाँ आके जो हम लोग का सोसाइटी है, जो हम लोग की मतलब कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो मजबूर कर देता है उसको मतलब औरत बनने पे. फिर आगे है, क्योंकि नो डाउट्स मतलब अगर हम इंसान की बात करें यहाँ पे, एक मतलब एक नॉर्मल सा टॉपिक है कि अगर इंसान की बात करें तो कोई भी बेबी, मतलब बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, तो दोनों तो बच्चा होता है. लेकिन अगर बड़े होने के बाद अगर किसी को बताया जाए कि वो औरत है और ये मर्द है, या कोई पार्टिकुलर रीजन से किसी को कम आंका जाए या कम बोला जाए, तो ये चीज़ क्या होता है, तो यही यहीं पर ये लाइन जस्टिफाई होती है कि वुमेन जो है, वुमेन पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है. फिर आगे है, द टाइटल ऑफ दिस बुक रिफर्स वुमेन एज, इस बुक का जो हम लोग का जो टाइटल है द सेकेंड सेक्स, वो वुमेन से रिलेटेड है. बिकॉज क्योंकि आवर कल्चर सिविलाइजेशन एंड पैट्रियाकल सोसाइटी, क्योंकि हम लोग की जो संस्कृति, सभ्यता और पितृसत्तात्मक समाज है, कंसिडर्ड मैन एज द फर्स्ट सेक्स, कि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि मैन जो मतलब आदमी होते हैं वो फर्स्ट सेक्स है. इस वजह से औरत लोग के लिए द सेकेंड सेक्स, वुमेन्स के लिए द सेकेंड सेक्स यूज किया गया है, और मेन्स को दिखाया गया है कि हम लोग का कल्चर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी सब फर्स्ट सेक्स मानता है. फिर आगे है, मैन फंडामेंटली ऑप्रेस वुमेन बाय कैरेक्टराइजिंग देम. मैन क्या करते हैं, फंडामेंटली यानी एकदम मतलब पूरे अधिकार से, मूल रूप से ऑप्रेस दबाते हैं वुमेन को बाय कैरेक्टराइजिंग, मतलब उसको मतलब क्या करते हैं ना, कैरेक्टराइजिंग यानी किसी को जज कर रहे हैं, एंड देम मतलब जज करते हुए ऑन एवरी लेवल, हर लेवल पे, एज द अदर डिफाइंड एक्सक्लूसिवली इन पोजिशन टू मैन, और उनको मतलब डिफाइन किया जाता है मैन को बिल्कुल मतलब अपोजिट, वुमेन के बिल्कुल अपोजिट मैन को माना जाता है. मैन ऑक्यूपाइज द रोल ऑफ सेल्फ एंड सब्जेक्ट, मैन को खुद का और खुद के मतलब सेल्फ का सब्जेक्ट मतलब रोल प्राप्त होता है. वुमेन इज द ऑब्जेक्ट एंड द अदर, वुमेन को जबकि इस ऑब्जेक्ट और अदर बताया जाता है शिमोन के बुक में, मैन को बताया जाता है सेल्फ और सब्जेक्ट, और वुमेन को ऑब्जेक्ट और अदर बताया जाता है. ही इज एसेंशियल एब्सोल्यूट एंड ट्रांसेंडेंट, वो क्या माना जाता है कि एसेंशियल एब्सोल्यूट है, मतलब एसेंशियल जरूरी है और एब्सोल्यूट है, और इट मीन्स क्या है, मतलब मतलब एब्सोल्यूट यानी बहुत बड़ा, परम है, एंड ट्रांसजेंडेंट यानी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, तो वही मतलब कहीं ना कहीं फिर से महानता बताई गई है मैन की. सी इज एसेंशियल, और वहीं औरत की जब बात की जाती है तो बताया जाता है सी इज इनएसेंशियल, मतलब कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, इनकम्प्लीट एंड म्यूटिलेटेड है. म्यूटिलेटेड यानी मतलब एक तरह से क्या होता है ना, विकृत, ठीक है. तो इस तरह से वुमेन को डिस्क्राइब किया गया है, मतलब मैन को महान बता दिया गया है लेकिन वुमेन को बहुत छोटा और बहुत तुच्छ मतलब दिखाया गया है. फिर आगे, वुमेन नोट हर सेल्फ यानी बट एज रिलेटिव टू हिम, यहाँ पे बताया जाता है वुमेन को कि उसकी खुद से खुद की पहचान कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या रिलेटिव है, किसी मैन से जुड़ी हुई है. इन दिस सोसाइटी, इस समाज में वुमेन्स हैव ऑलवेज बीन नोन बाय द नेम ऑफ देयर फादर, वुमेन को हमेशा जाना जाता है किसके नाम से, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, सन. सी हैज नो एनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ हिज ऑन, उसका खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं होता. अब यहाँ पे से ये क्लियर हो गया कि कोई भी वुमेन हो उसके इंडिविजुअल मतलब माना ही नहीं जाता कि उसकी इंडिविजुअल पहचान है, या कोई औरत है, कोई किसी औरत के लिए कोई हाउस वाइफ है उसके लिए कोई लेटर आ सकता है कभी लाइफ में, बट वो भी क्या होगा, उसके पति के नाम से जाना जाएगा, किसी का अपॉइंटमेंट लेटर ही आ रहा है. कोई अगर मतलब मैरिड वुमेन है तो उसका क्या होगा कि पति के एड्रेस पे आएगा और पति के नेम से ही आएगा, कि और जो पोस्टमैन है वो भी उसको पति के नेम से पूछेगा कि इस औरत का घर कहाँ है, इस औरत का घर कहाँ है, सॉरी इसके ये जो मतलब जो भी लड़का का नाम है, उसके हस्बैंड का नाम है, उसके घर के नाम से उसके पास पहुंचेगा. तो इट मीन्स क्या होता है कि हर फील्ड में कि वुमेन की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मतलब नहीं मानी जाती, कि वुमेन का कोई इंडिविजुअल पहचान है, उसका इंडिविजुअल एड्रेस हो सकता है, ठीक है. फिर आगे है, दिस डिस्टिंक्शन इज द बेसिक ऑफ ऑल सीमेंस आर्ग्यूमेंट, और यही जो वो अंतर दिखाती है, भेद दिखाती है पूरे बुक में, मतलब बहस का, तर्क का, इसी सब चीजों पर मतलब डिस्कस करती है अपने 10 बुक में, द सेकेंड सेक्स में. इन द फैक्ट एंड मिथ,
अब जो हम बताए थे कि इनके बुक को दो भागों में बांटा गया, तो उसमें जो है फैक्ट एंड मिथ में वो डिस्क्राइब करती है, बिहेवियर्स डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ ओवम टू स्पर्म, ओवम से स्पर्म तक के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है इन वेरियस क्रिएचर, बहुत सारे जीवों में, लीडिंग अप टू द ह्यूमन बींग, मतलब ह्यूमन बींग में भी ओवम से स्पर्म का मतलब एक दिखाती है रिलेशन, रिश्ता दिखाती है। सी सेज वह कहती है दैट अकॉर्डिंग टू मैन, कि आदमी के अनुसार वुमेन आर ओनली स्पाइसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सिर्फ रिप्रोडक्शन की एक स्पाइसेस, एक प्रजाति है जो रिप्रोडक्शन के लिए बनी है, मतलब इट मीन्स बच्चे पैदा करने के लिए बनी है। सी डिस्क्राइब्स मेन्स ग्रेजुअल डोमिनेशन ऑफ वुमेन, वुमेन के ऊपर जो है मैन के डोमिनेशन को दिखाती है कि कैसे मतलब थोड़ा मतलब क्या होता है ना कि अस्तित्व मतलब ज्यादा दिखाया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड इवेंचुअली द ओपिनियन ऑफ एंशियंट ग्रीक, और एंशियंट ग्रीक जो थे लाइक पाइथागोरस का नाम सुने होंगे आप लोग मैथमेटिक्स में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में उनका एक मतलब थ्योरम आता है पाइथागोरस थ्योरम, वो पढ़ते भी हैं, वो रोट उनका कहना था मतलब इन जैसे महान जो हैं ग्रीक के, जो एंशियंट ग्रीक के जो वन ऑफ द मैथमेटिक्स थे ग्रेटेस्ट, तो उनका क्या कहना है देखते हैं। देयर इज ए गुड प्रिंसिपल, कि वहाँ वो बोलते हैं कि कुछ गुड प्रिंसिपल थे, नियम थे, डेट क्रिएटेड, जो कि बनाए, जो क्या बनाया, ऑर्डर, लाइट एंड मैन, ये तीन चीज किससे आया, गुड प्रिंसिपल से आया। एंड ए बैड प्रिंसिपल, या आइदर यहाँ पे फिर या तो फिर यहाँ पे एविल प्रिंसिपल भी लिखा रहता है, एविल प्रिंसिपल, डेट क्रिएटेड, जो कि क्रिएट किया, क्योश डार्कनेस एंड वुमेन, क्योश यानी अव्यवस्था, डार्कनेस अंधेरा, और वुमेन को मतलब क्रिएट किया। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो बैड प्रिंसिपल है ना वो वुमेन को मतलब क्रिएट किया, पाइथागोरस जो है जो ग्रीक के मैथमेटिक्स उनका ऐसा थॉट मतलब देखा गया है। फिर आगे है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति क्या हुई थी, मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा उद्योग या इंडस्ट्री बनाई जा रही थी, बहुत सारे कल कारखाने बनाए जा रहे थे ताकि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा उद्योग मिले। तो ये जब हुआ ऑफ द 19th century में, तो गैप वुमेन एंड एस्केप्ड फ्रॉम देयर होम, तो यहाँ पे वुमेन्स को थोड़ा छुटकारा मिला उनके घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, क्योंकि औद्योगिक क्रांति थी तो सब काम में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे, बट दे वेयर पेड लिटिल फॉर देयर वर्क। लेकिन अभी भी क्या होता था कि वुमेन को उस टाइम औद्योगिक क्रांति के टाइम पे 19th सेंचुरी में वुमेन को बहुत कम पेड किया जाता था अपने काम के लिए। सी एग्जामिन्स द स्प्रेड ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड, वह मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड को भी एक्सप्लेन करती है, मतलब जन्म नियंत्रण पद्धति का भी एग्जामिन यानी प्रचार करती है। एंड द हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, और गर्भपात के इतिहास के बारे में भी बताती है। शी वॉन ऑल्सो राइट्स अबाउट द वुमेन लाइक, वो वैसे वुमेन के बारे में बात करती है जैसे मतलब कुछ महान वुमेन के बारे में बात की गई है, जैसे कि रोजा लग्जमबर्ग एंड मैरी क्यूरी, तो ये दोनों की बात करती है, ये दोनों काफी फेमस है एज ए वुमेन, तो इन दोनों के बारे में बात करती है सिमोन डी ब्यूवर अपने सेकेंड सेक्स बुक में। सी कवर्स फीमेल मेंस्ट्रुएशन वर्जिनिटी, वो फीमेल मेंस्ट्रुएशन यानी इट मीन्स पीरियड्स के बारे में, वर्जिनिटी के बारे में, फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में, इंक्लूडिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन यानी कुछ फिजिकल रिलेशन को लेके, मैरिज के बारे में, मदरहुड के बारे में, एंड प्रोस्टिट्यूशन, मतलब इन सब चीज के बारे में बात की हुई है द सेकेंड सेक्स बुक में। ब्यूवेयर कोट्स द ब्रिटिश मेडिकल जनरल, ब्यूवेयर मतलब एक कोट्स करती है ब्रिटिश मेडिकल जनरल ऑफ 1878 में, इन विच ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन राइट्स, मतलब इस पे एक कोट्स करती है, बता दिखाती है कि एक जो ब्रिटिश मेडिकल जनरल है 1878 में जो इनसे मिली थी तो उसका क्या मानना था, तो उस इंसान ने कहना था ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के उनका लिखना था, इट इज एंड इनडिस्पुटेबल फैक्ट दैट मीट गोज बैड व्हेन टच्ड बाय मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, तो ये यहाँ पे बोलती है कि ये मतलब कैसा अजीब भद्दा सा थॉट है कि जब कोई मीट यानी चिकन मटन, तो वो जब है ना मतलब किसी वुमेन के टच में आता है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन इट मीन्स जब कोई फीमेल अपने पीरियड्स में हो तो उस टाइम अगर मतलब वो मीट को टच करती है तो क्या होगा, मीट क्या खराब हो जाएगा, ऐसा किसका तौर था, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन
मतलब वहां के लोगों का, वहां के उस टाइम के लोगों का ऐसा थॉट था। तो इस चीज के बारे में वो कोट्स करती है, लिखती हैं कि मतलब किसा, मतलब बेहुदा सा, बेतुका सा ये थॉट, मतलब एक थॉट चला रहा था। इन मैथोलॉजिकल लिटरेचर, पौराणिक जो हम लोग की लिटरेचर होती है, साहित्य होती है, वुमेन आर कंसिडर्ड टू गॉड। वुमेन को क्या माना जाता है? गॉड, भगवान माना जाता है। गॉड इज दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली भी आप ऐड कर सकते हो, तो ये सब गॉड माना जाता है। स्टिल वुमेन हैव नो फाइट। फिर भी क्या होता है कि वुमेन फाइट विथ दिस सोसाइटी, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग भगवान मानते हैं, फिर भी वुमेन को क्या करना होता हैव टू फाइट। वुमेन को लड़ना होता है इस सोसाइटी से, विथ दिस सोसाइटी, सोसाइटी से, समाज से, फॉर देयर राइट्स, अपने अधिकार के लिए। ऑन विच ओनली दे हैव द राइट, मतलब जिन जिस चीज पर मेरा अधिकार है उसी चीज के लिए हमको समाज से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर यही बताती है, काफी फेमस चीज, मतलब अच्छा लाइन है कि जो चीज मेरा है उसी चीज के लिए हमको सोसाइटी से लड़ना पड़ रहा है कि ये मेरा है प्लीज हमको दे दो। अब आगे आर्थर रिम्बोल्ड राइट्स होपफुली, आर्थर रिम्बोल्ड लिखते हैं होपफुली, आशापूर्वक, वन डे, एक दिन वुमेन कैन बिकम फुल्ली ह्यूमन बीइंग्स, कि एक दिन औरत जो है फुल्ली ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य बन जाएगी, व्हेन मैन गिव्स हर फ्रीडम, जब उनको मैन जो है फ्रीडम देंगे। तो ये भी अच्छी लाइन है, बट नो डाउट्स, मतलब 19वीं सेंचुरी के अकॉर्डिंग सिमोने क्योटेड। फिर आगे सिमोन जो है वो कोट करती है, हर विंग्स आर कट, कि उसके जो पंख काट दिए जाते हैं, एंड देन सी इज ब्लेम्ड फॉर, और उसके बाद उसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, नॉट नोइंग हाउ टू फ्लाई। मतलब यहाँ फिर से वुमेन के बारे में बात करते हुए पोएट कहती हैं कि पहले तो उनका पंख खुद से काट दिया जाता है और उसके बाद उन पे ही ब्लेम लगाया जाता है कि वो नहीं जानते कि फ्लाई कैसे किया जाए। फिर आगे इन द सेकेंड वॉल्यूम ब्यूवेयर, अब जो हम फर्स्ट वॉल्यूम के बारे में बात किए, सेकेंड वॉल्यूम में ब्यूवेयर जो है एनालाइजिस, मतलब इस चीज का विश्लेषण करती है, हाउ गर्ल्स आर टिपिकल ट्रीटेड थ्रू आउट देयर चाइल्डहुड, की जो गर्ल्स चाइल्ड होती है, बच्ची होती है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। सी कॉन्ट्रास्ट ए गर्ल्स अपब्रिंगिंग विथ ए बॉयज, वो बिल्कुल मतलब दिखाती है, अंतर को दिखाती है, एक बॉयज के अपब्रिंगिंग, मतलब एक छोटी सी बच्ची कैसे बड़ी हो रही है और कैसे एक लड़का को बड़ा किया जा रहा है, उस दोनों के बीच के अंतर को दिखाती है। हु एट द थ्री और फोर, हु एट एज थ्री और फोर इज टोल्ड, मतलब तीन और साल का है, चाहे बच्ची हो या मतलब कोई बॉय हो या गर्ल हो, वो तीन और साल का है, टोल्ड ही इज ए लिटिल मैन, बॉय को बताया जाता है ही इज ए लिटिल मैन, और ए गर्ल इज टाउट टू बी ए वुमेन, और उसी टाइम एक गर्ल को सिखा दिया जाता है क्या कि वुमेन एंड हर फेमिनिन, और उसको उनको मतलब गर्ल को बता दिया जाता है उसके फेमिनिन, मतलब दिखा दिया जाता है कि अंदर मतलब उसके मतलब तीन चार साल से ही उसको इस तरीके से माइंड के लेवल पे तैयार कर दिया जाता है कि वो एक वुमेन है। फिर आगे है, शिमोन डिस्क्राइब्स दैट फीमेल ओनली गेट डिग्निटी इन ओनली टू वर्क्स, फीमेल को महत्व सिर्फ दो कामों में मिलती है। सिमोन ये बताती है कि फीमेल को दो कामों में सिर्फ महत्वपूर्णता मिलती है, वो क्या है, फर्स्ट इज इन हाउस होल्ड वर्क, पहला तो घर के कामों में, एंड सेकेंड इज टू प्रोवाइड बेड सर्विस टू हर हस्बैंड अकॉर्डिंग टू देयर हिज मूड, मतलब वो, और सेकेंड जो वुमेन का काम है जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट तो है घर संभालना, और सेकेंड जो है वो अपने हस्बैंड के मूड के अकॉर्डिंग उसको बेड सर्विस प्रोवाइड करना, इट मींस मतलब रिलेशनशिप बनाना, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाना अकॉर्डिंग टू देयर हस्बैंड, अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड मूड। फिर आगे है, वुमेन आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू बी पैसिव, हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है कि औरत है तो सहनशील होगी एंड सबमिशिव, विनम्र होगी, मतलब नो डाउट बहुत ज्यादा ईगो नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगी, सुनेगी, व्हाइल मैन आर इनकरेज्ड टू बी एक्टिव, और मैन को इनकरेज्ड किया जाता है कि वो मतलब मैन है तो उसको थोड़ा वो होना चाहिए, मतलब एक्सप्रेसिव होना चाहिए, गुस्सा दिखाने वाला होना चाहिए, उसके अंदर सहन शक्ति भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, विनम्र भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे, एट द एज ऑफ 16 के एज में सी हैज एक्सपीरियंस्ड मैनी अनकंफर्टेबल थिंग्स, वो मतलब जो एक औरत के बारे में फिर से डिस्क्राइब करते हैं कि एक बहुत सारा अनकंफर्टेबल थिंग्स, नो डाउट गर्ल्स बॉयज सब मतलब इस टाइम फील करते हैं, बहुत सारा अनकंफर्टेबल चीज को फेस करते हैं। इसमें वुमेन के बारे में बात किया, जैसे प्यूबर्टी मतलब यौवनावस्था, अराउजल, फियर, मेकअप, पैड, ब्राज, एक्सट्रीम मोडेस्टी, ये सब फेस करना होता है 16 के एज में। मैनी गर्ल्स अर्लीस्ट सेक्सुअल इनकाउंटर आर विथ ओल्डर गर्ल्स, और ढेर सारी गर्ल्स का क्या हो जाता था, मतलब 19 सेंचुरी की बात कर रही है कि एक ओल्डर गर्ल मतलब अपने से बड़ी लड़की के साथ क्या हो जाता था, सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाता था,
और वुमेन प्लेसिंग देयर ट्रस्ट इन देयर सेक्सुअल, मतलब एक इनकाउंटर हो जाता था, अट्रैक्शन हो जाता था गर्ल्स के साथ, बड़ी लड़कियों के साथ। कहीं ना कहीं यहाँ पे पोएट क्या बात, किसके बारे में, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात की है, मतलब समलैंगिकता, मतलब शेम जो होता है ना, शेम जेंडर के प्रति आकर्षण, तो उसके बारे में बात की है कि ऐसा होता था। और वुमेन प्लेसिंग देयर ट्रस्ट इन देयर ऑन सेक्स रेदर देन विथ मैन, कि वुमेन यहाँ पे क्या दिखाया गया है इस लाइन के थ्रू, किसी मैन पे जो वुमेन ट्रस्ट करे रिलेशनशिप के मैटर में, मतलब इससे अच्छा था कि उस टाइम वुमेन क्या करती थी, एक एक लड़की एक लड़की पे भरोसे करती थी, सेम सेक्स सेम जेंडर पे विश्वास करती थी, देन रेदर देन विथ मैन, मैन के बदले। फिर आगे दस इस प्रकार द एडसोलेन एडोलसेंट्स गर्ल्स, जो एडोलसेंट्स गर्ल होती है किशोरावस्था में, मतलब 15-16 साल की जो लड़की होती है, इज एन एज ऑफ होप एंड एम्बिशन, मतलब जो उसका एज किस चीज का रहता है, 15-16 साल 17 साल, वो होता है होप और एम्बिशन का एज। फाइंड हर सेल्फ पेशिव एंड डिपेंडेंट, खुद को उसी एज में क्या पाने लगती है, पेशिव और डिपेंडेंट पाने लगती है, क्योंकि किसी और पर डिपेंड है। दस इस प्रकार इन द अर्ली 20th सेंचुरी, शुरुआत के जो 20th सेंचुरी था, वुमेन्स पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक choices in France were limited, मतलब वुमेन का जो क्या था, पॉलिटिकल राजनीतिक सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक चॉइस जो था फ्रांस में वो लिमिटेड था, सीमित था, एंड ड्यू टू पैट्रियाकल डोमिनेंस सोसाइटी की वजह से, पितृसत्तात्मक समाज की वजह से, इन ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड बिजनेस, मतलब सारे जगह पे, मतलब बहुत कम उनको काम मिलता था, बहुत कम, मतलब ना के बराबर मिलता था सारे जगह पे, ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के हर पहलुओं पे, एंड बिजनेस, बिजनेस में भी, इंक्लूडिंग द पब्लिशिंग इंडस्ट्री, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता था वुमेन को। पोएट कहीं ना कहीं अपनी बात भी कर रही है, क्योंकि वो एक ऑथर भी पोएट है। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, और इन सब चैलेंजेस के बावजूद, ए फ्यू वुमेन सच एज, कुछ वुमेन जैसे कि सिमोन डी ब्यूवेर वेयर एबल टू ब्रेक थ्रू दिस चैलेंजेस, कि वो लोग क्या हो सके, सिमोन डी व्यूवर जो है इस चैलेंज को तोड़ सकी, उनका जो एक, मतलब एक होता है ना कि एक जोन बना दिया गया था कि वुमेन ऐसी ही होती है, तो उन सब चीज को तोड़ के निकल सकी द चैलेंज, स्पेशली विथ ए बुक, और इस एक स्पेशली एक बुक के साथ, सच एज जैसे द सेकेंड सेक्स, मतलब सेकेंड सेक्स जैसे बुक के साथ निकली उस तरीके के एटमोसफियर से। फिर आगे अलदाव द बुक रिसीव्ड मच क्रिटिसिज्म, हालांकि बुक को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, आलोचना होता है ना, क्रिटिसाइज, जज भी किया गया बाय नोटेबल लिटरेरी फिगर्स, महान नोटेबल मतलब प्रमुख लिटरेरी साहित्यिक फिगर्स के द्वारा। द बुक ऑल्सो प्रेजेज एंड सपोर्ट बाय मैनी अदर, इंक्लूडिंग बुक को प्रेज, मतलब क्रिटिसिज्म जज किया गया, तो प्रशंसा भी मिली बहुत सारे लोगों के द्वारा, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम वुमेन, मतलब मेनली इसको वुमेन से बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली इस बुक को, विद इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट, और फेमिनिस्ट मूवमेंट जो उस टाइम आया उससे भी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। ब्यूवर्स बुक प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, ब्यूवर्स का जो बुक है हम लोग का, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, द सेकेंड सेक्स, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फॉर द सेकेंड वेव ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट, सेकेंड वेव जो होता है आया जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का, तो उसमें सेकेंड सेक्स बुक का जो है ना काफी महत्वपूर्ण रोल है, स्पेशली आफ्टर बीइंग पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, और स्पेशली तब जब इसको यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश करवाया गया अमेरिका में, उसके बाद तो में भी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव रहा इस बुक का, सेकेंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट में। तो यहाँ पे वीडियो खत्म हो गया, तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है ना, आपके सिलेबस क्या है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे डेक्स कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।